चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, अपॉर्चुनिटीज को लेकर के। घर बैठे करो डाटा एंट्री और कमाओ। इस टेक्नोलॉजी के युग में, टेक्नोलॉजी के दम पर कई ऑनलाइन जॉब्स मिल जाएंगी आपको। अगर आपने ऑनलाइन जॉब नहीं किया तो क्या किया है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती जा रही है, वैसे वैसे ऑनलाइन जॉब्स भी ढेरों अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रही हैं। बिकॉज इंटरनेट प्रेजेंटली बड़ी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ भी चुका है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको हर तरह का काम मिल जाएगा। इसलिए पहले के मुकाबले तेजी से फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स बन रही हैं, जिसमें से मैंने आपके लिए खासों में खास फ्रीलांसिंग वेबसाइट फाइंड आउट की है, जो बड़ी न्यू है और इंडियन वेबसाइट है, जिसके कारण आपको दुनिया भर से कंपटीशन नहीं मिलेगा और आप आसानी से इंडियन क्लाइंट्स के लिए वर्क कर सकते हैं और पेमेंट सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ये वेबसाइट है workhire.com, work workhire.com, जिस पर डाटा एंट्री जॉब से लेकर लोगो डिजाइनिंग, आर्टिकल राइटिंग, इस तरह के बहुत सारे वर्क्स की भरमार है। जिस पर कुछ ना सही तो ऑनलाइन डाटा एंट्री का वर्क आपको इजीली मिल जाएगा, जो इंटरनेट की सबसे सिंपलेस्ट जॉब है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप workandhire.com पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं बात करूंगा सबसे पहले ज्वाइनिंग की, इसको ज्वाइन करना कैसे है। सबसे पहले workandhire.com खोलिए, उसको एक IIT पास कुमार मुकुल हैं और मनीष प्रकाश हैं, उन्होंने स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए बनाया। आज के टाइम में हजारों क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, जिसे YouStory.com और क्रंच बेस जैसी नामी मीडिया वेबसाइट्स ने फीचर भी किया है। workandhire.com पर अकाउंट कैसे बनाएं, अब ये आप जानिए। सबसे पहले आप workandhire.com पर विजिट करें, उसके बाद साइन अप बटन पर क्लिक करें। फिर आपने क्या करना है, आई वॉन्ट टू वर्क एन इंडिविजुअल एक लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करिए। अगर आप कंपनी के तौर पर काम करना चाहते हैं तो कंपनी ऑप्शन उसमें आ रही है, उसको आप सिलेक्ट करें। पर मैं आपको इस वीडियो में इंडिविजुअल के लिए एक प्रोसेस बताऊंगा। ओपन फॉर्म आता है, उसमें आपने यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड सबमिट करना है। उसके बाद आपने जीमेल ओपन करनी है और उसको कंफर्म लिंक पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी वो वेरिफिकेशन हो जाए। अब आप अपनी प्रोफाइल को सेट करें, जो कोई भी काम पाने का एक फर्स्ट स्टेप है, इसको आपने हर हालत में करना ही करना है, वेरीफाई कराना ही कराना है। अब प्रोफाइल में डिटेल्स को एंटर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा इमेज की। एक प्रोफेशनल लुकिंग इमेज होनी चाहिए, ये नहीं है कि कहीं भी बैठे हो सेल्फी खींच दी और आपने वहां पर अपलोड कर दी, ऐसा नहीं। बड़ी ही प्रोफेशनल लुकिंग वाली इमेज को आपने अपलोड करना है। फिर आपने अपना नेम फिल करना है, टैगलाइन देनी है, अपनी स्पेशलिटी बतानी है कि उसमें आपने क्या स्पेशलिटी है आपकी। उसके बाद आपने मिनिमम रेट पर आर बताना है, वो भी रुपीस में, कि एक घंटे की आपकी कितनी फीस होगी। फिर आपने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है, मोबाइल नंबर अपना जो है वो जेन्युइन एंटर करें, ताकि जब भी कॉल आए तो आप उसको पहली बेल में पिक कर सकें। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑक्यूपेशन, प्रेजेंटली किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो। फिर आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उसको फिल करें, फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, जो भी हो आप उसमें फिल करिए। फिर आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाती है। अब अपने और अपने स्किल के बारे में प्रैक्टिकल एंड इंटरेक्टिव आपने इंट्रोडक्शन देनी है, जो क्लाइंट्स को इंप्रेस करे, बिकॉज ये काम लेने में 40% रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसको आप अपडेट करें, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है, एजुकेशन में आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो प्रॉपर एंटर करनी है, आप कितने पढ़े हुए हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें टेंथ चाहिए, प्लस टू चाहिए, कुछ भी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप उसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली फिल करें। फिर हमारे पास कैटेगरी की ऑप्शन आ जाएगी, इस वेबसाइट पर कौन से वर्क करने वाले हैं उसकी कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन हमारे पास स्किल्स आ जाते हैं। स्किल्स में क्या है, आप अपने पोर्टफोलियो और वर्क हिस्ट्री को छोड़कर
पोर्टफोलियो और वर्क हिस्ट्री को छोड़कर उसमें स्किल सेक्शन में आ जाएंगे। अब जो भी स्किल्स आपने सीखे हुए हैं उसे सेल्फ रेटिंग के साथ अपडेट कर दें। इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो वर्क एंड हायर पर काम कैसे करें इसके बारे में आप सुन लीजिए कि काम करने के लिए पहले आपको काम सर्च करना होता है, वो कुछ भी हो, कहीं भी हो। वर्क पर आपने जाना है, फिर आपके पास एक ऑप्शन आती है सर्च जॉब्स की, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके पास जॉब कैटेगरी आती है, उसमें आपने अपनी जॉब की टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा वर्क प्रपोजल्स दिखेंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद है, आप उसको क्लिक कर लीजिए। फिर आपकी राइट साइड में बिडिंग बॉक्स दिखेगा, उस बिडिंग बॉक्स में आपने क्या करना है, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन और स्किल को लिखना है, साथ ही अपनी फीस और काम को पूरा करने का एस्टिमेटेड ड्यूरेशन भी डालकर उसमें सबमिट कर दें। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो आपकी बिडिंग को चेक करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो आपको काम दे देगा। मेन आपकी बिडिंग भी मायने रखती है। अब जैसे ही क्लाइंट के लिए वर्क करना शुरू करेंगे, आपकी टोटल फीस पेमेंट जो है वो उसकी आपके पेमेंट सेक्शन में आ जाएगी, वो पेंडिंग शो होनी शुरू हो जाएगी, जो काम पूरा होने के बाद अप्रूव्ड हो जाएगी। workandhire.com से पेमेंट ट्रांसफर कैसे करें, आप इस प्रोसेस को भी सुन लीजिए। जैसे ही आपकी पेमेंट अप्रूव होती है, वो अवेलेबल बैलेंस के तौर पे आपको दिखेगी, जिसे आप बैंक ट्रांसफर या बैंक चेक से ट्रांसफर करा सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट करनी होगी, जैसे पेमेंट मेन्यू में विड्रॉल फंड्स पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट विड्रॉल रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। बैंक ट्रांसफर चाहते हैं तो बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करनी होगी, अदरवाइज उसमें आप अपना नेम भरें जो भी आपका बैंक में है, और ध्यान रहे कम से कम 500 रुपये ही ट्रांसफर कर सकते हैं आप। इस तरह से आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और पेमेंट कम से कम 2 से 4 दिन में रिसीव हो जाती है। ये थे कि पेमेंट का हम कैसे लें। अब मैं बताऊंगा फ्रीलांसिंग टिप्स। इस सभी तरह की ट्रांजैक्शन फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंडर ही करें, जैसे बिडिंग प्रपोजल सेंड करने से लेकर पेमेंट रिसीव करने तक का। इसमें फ्रीलांसिंग वेबसाइट की लायबिलिटी बनती है कि आपको किसी भी तरह के नुकसान से वो बचाए, अदरवाइज आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट के आउटसाइड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी भी तरह का लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। उसके बाद होता है क्वालिटी। क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, आपकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सो वर्क क्वालिटी को मेंटेन करें। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको दोबारा से काम नहीं मिलेगा। आपके फ्यूचर के लिए बड़ी जरूरी है कि क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे से करवा लें, बट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये रही workandhire.com का बड़ा सिंपल ओवरव्यू, जिससे आप अपना आज ही ऑनलाइन करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह के ऑनलाइन जॉब आइडियाज अगर आप हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिए सो दैट हमारे भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का कहीं सपोर्ट हो जाए, उनको भी कहीं काम मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी, खुश रहिए आप।